देखो गाइस, आज मैं इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में हूँ क्योंकि आज का जो प्रोजेक्ट है वो ही कुछ ऐसा है जितना आपको थंबनेल में आपको देख करके पता चल ही गया है। देखो गाइस, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कुछ पीसेस लेने पड़ेंगे जो कि पीवीसी पाइप से होते हैं। अब इनमें से भी हमें ग्रुप कटिंग भी करना है क्योंकि हमें कॉम्पोनेंट भी लगाना है, लेकिन सबसे पहले इसका बॉक्स बना देते हैं। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स पर हमें कुछ कॉम्पोनेंट को भी लगाना पड़ेगा, जैसे कि एक है हमारा ये इंडिकेटर, और ये मैंने परचेस नहीं किया, ये मैंने होममेड बनाया, काफ़ी सालों पहले मैंने बनाया था। अगर आप बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पर मैं शो करवा दूंगा। इसके साथ हमें लेना पड़ेगा एक ऑन ऑफ स्विच, आप इसी का भी इलेक्ट्रिक जो स्विच होती है आप उसे भी यूज कर सकते हो। और जो हमारा मेन कॉम्पोनेंट है वो भी मैं आपको साथ में बताता हूँ, वो है ये चेसर, देख सकते हो। ये है एक 6 चैनल का चेसर लाइट और चेसर सर्किट भी आप बोल सकते हो, और ये हमारा 6 चैनल के लिए काम करता है, मतलब 6 LEDs को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप इस पर झालर लगाओ, चाहे कोई 100 वाट की बल्ब लगाओ, क्योंकि इसका एक चैनल पर आप 100 वाट मैक्सिमम इनपुट दे सकते हो और इस पर आउटपुट जो निकलेगा वो 100 वाट का निकलेगा। आपको डिटेल भी बीच बीच में मिलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। तो चलो गाइस, अब इसे तुरंत से यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले ग्रुप कटिंग करते हैं हमारे स्विच और इंडिकेटर के लिए। फिलहाल के लिए तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी हम रखते हैं इसे साइड पर। अब आप बात करते हैं कुछ वायर्स पर। देखो, आप यहाँ पर वायर को यूज कर रहे हो तो आप पर ये पहले आप डिपेंड हो जाओ कि आपको यहाँ पर टोटल कितने LEDs को यूज करना है, मतलब आप कितने यहाँ पर झालर लाइट जला रहे हो या कितनी वॉट के आप LEDs को जला रहे हो, वो आप पर डिपेंड होना चाहिए। तो मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पर कम से कम कॉपर वाला वायर लेना, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो यूज होता है, जो हमारे घर की जो वायरिंग होती है उसके हिसाब से आपको वायर को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा मेरा जो घर का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और हमें काफ़ी ज़्यादा लोड भी देना पड़ता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1.5 mm का वायर को यूज करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इस पर मैक्सिमम आप देखो तो कम से कम 30 LED से ज़्यादा आप यूज नहीं करना। 30 LED से ज़्यादा यूज करते हो तो ये सर्किट खराब हो जाएगा, और झालर अगर यूज करते हो तो वो आप 35, मुश्किल से मुश्किल 35 तक आप यूज कर सकते हो। 35 से मैं तो बोलूँगा आप कम ही यूज करना, तो आपके लिए बेनिफिट होगा क्योंकि इतना छोटा सा सर्किट है, ज़्यादा लोड नहीं लेने वाला है। तो देखो, रेड वाला जो वायर आएगा ये हमारा सिंपली ग्राउंड के लिए मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो कॉमन वाला जो पिन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पिन इस पर चला जाएगा, और येलो वाले से मैं 1 2 3 4 5 6 करके इस तरीके से वायर करने वाला हूँ। और इसका कनेक्शन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो पर भी दिखाया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पर भी बता दूंगा। और जो स्विच का कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ पावर सप्लाई ऑन करने के लिए है। तो चलो, आप इसे तुरंत यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, कुछ हमें होल भी करना है जिससे वायर जो है वो बाहर निकल सके। चलो कर लेते हैं। अभी यहाँ पर जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हमें इस डब्बे पर पैक करना पड़ेगा, पूरी तरह सिक्योर तरीके से इसमें पैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जरा सा भी शर्ट, मतलब एक शर्ट कनेक्ट होता है तो यहाँ पर काफ़ी तेज हमें शॉर्ट सर्किट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको सबसे पहले इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो AC करंट आएगा फेस वाला, फेस का वायर मैंने यहाँ पर लगाया है, और उस वाले को मैंने इंडिकेटर से कनेक्ट करते हुए डायरेक्ट मैंने स्विच के पास कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपको पता है जब हम स्विच को स्टार्ट करेंगे तब ये वर्क करेगा और जो इंडिकेटर है वो भी साथ में ही काम करने वाला है। अब ये वाला न्यूट्रल का वायर होता है, देख सकते हो, यहाँ से ये डायरेक्ट कनेक्ट होकर यहाँ पर चला गया है। जैसा कि आप पीछे में देख सकते हो, एक सिर्फ डायोड लगा हुआ है जो कि कॉमन के होता है, जो कि माइनस होता है, बाकी का एक वायर यहाँ पर होता है। अगर चाहो तो आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखो, इस पर मैंने काफ़ी सारे होल भी कर दिए हैं, इस पर मैंने नंबरिंग भी कर दिया है। जैसे यहाँ पर मैंने N लिख दिया, जिससे आप पता कर सकते हो कि ये न्यूट्रल वाला वायर है, बाकी ये 1 2 3 4 5 6 चैनल का है। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 होल मैंने किया है, जिससे जो हमारा AC वाला वायर है वो बाहर आ जाएगा। और चलो गाइस, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तुरंत से इसे इस पर लगाते हैं और देखते हैं
टेस्ट करके कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मैं डबल साइड टेप का यूज कर रहा हूँ इसे चिपकाने के लिए। गाइस आप यहां पर देख सकते हो हमारा जो चेसर है वो कंप्लीट हो चुका है। यहां पर मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन भी कर दिया, जैसे कि इस पर कलर मैंने कर दिया, साथ ही यहां पर मैंने चेसर 6 चैनल किट भी मैंने लिख दिया है और हेल्प ब्लू चैनल का ब्रांडिंग भी मैंने दे दिया ताकि ये कोई कॉपी ना कर सके। यहां पर इंडिकेटर मैंने लिख दिया है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में देखने को मिला है कि जो इसका इंडिकेटर है वो परफेक्ट काम नहीं कर रहा है, ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो आप इसे चेंजिंग कर सकते हो। ये होममेड था, ये खराब भी हो चुका है, काफी साल पहले मैंने लगाया था। और यहाँ पर देखो क्या क्या मैंने यूज किया वो मैं आपको बताता हूँ, सामने से दिखाऊंगा तो आप क्लियरली समझ सकते हो। देखो ये वाली न्यूट्रल वाली वायर है जिस पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पट्टी की तरफ से, मतलब एक वायर सभी एलईडीज का मैंने लगाया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा 2 चैनल खाली है और 4 चैनलों को मैंने एक साथ इस तरीके से लगाया। देखो ये फर्स्ट चैनल जो हमारा कोब एलईडी कनेक्ट है, सेकेंड भी हमारा कोब एलईडी है, थर्ड भी हमारा इस वाले कोब एलईडी का कनेक्शन है और फोर्थ पर मैंने एक 0.5 वाट का एलईडी मैंने लगाया जो कि नाइट लैम्प है। अभी मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। और लाइटिंग की बात करें, लाइटिंग कितना हाईएस्ट आएगा वो तो आपको पहले ही पता ही है, फिर भी मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये इसका एसी 220 वोल्ट या 230 वोल्ट भी आप बोल सकते हो। अभी इसे देखो, ये आपका न्यूट्रल है और ये है फेस, इसे हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। देखो आपके सामने मैं यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा हूँ और देखना आप जब इसे टेस्टिंग करोगे तो बिल्कुल भी हाथ आपको नहीं लगाना है वरना आपको काफी तेज झटका लगने वाला है। अभी देखो यहाँ पर स्विच को अगर स्टार्ट करते हैं तो अभी एक ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी मैंने एक स्विच को लगाया है। अब मैं स्विच को स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए स्विच को स्टार्ट करने के बाद कुछ ये इस तरीके से काम करता है। अगर मैं लाइट्स को ऑफ करूँ तो देखो जितनी भी एलईडी है वो सभी अच्छी तरह से ग्लो कर रही है। यहाँ पर जो 0 वाट का बल्ब है वो भी परफेक्ट काम कर रहा है और जो हमारी कोब एलईडी है वो भी परफेक्ट काम कर रहा है, देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है और जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ये फिर से अच्छी तरह से काम करने लगेगा और लो ब्राइटनेस की कोई भी यहाँ प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ये परफेक्ट काम करेगा। अब इसे क्या आप बोलोगे भाई आप इसे कितनी देर तक चला सकते हैं, तो वो आपके सर्किट पर लोड है, आप कितना लोड दे रहे हो। और जैसे कि अगर यहाँ से डायरेक्ट पावर कट ऑफ हो जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लाइन आएगा ऑटोमेटिकली ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से एक छोटा सा डब्बा मैंने बना दिया है जिसे आप चेसर की तरह यूज कर सकते हो, कोई भी शॉर्ट सर्किट लगने का खतरा नहीं रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर मैं टच भी कराऊ बिल्कुल भी कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं करने वाला है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपके माइंड पर क्या चल रहा है या किस प्रोजेक्ट पर आप वीडियो चाहते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताना और लाइट काफी ज्यादा अमेजिंग है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।